हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से नए और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो से नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, सी इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, या डी सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। तो इसका उत्तर होगा ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न, १९७७ में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्रारंभ करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। तो आपके ऑप्शन है ए सतीश गुजराल, बी एम एफ हुसैन, सी एफ एन सुजा, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर होगा ए सतीश गुजराल। 1977 में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्रारंभ करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक सतीश गुजराल थे। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साली वाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया था? तो आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, या डी शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा ए जहांगीर। जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साली वाहन ने बाद में जहांगीर के दरबार में चित्रण कार्य किया। अगला प्रश्न, थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? आपके ऑप्शन है ए 16वीं, बी 17वीं, सी 18वीं, या डी 19वीं। तो इसका उत्तर होगा डी 19वीं। थियोडोर रूसो 19वीं शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपनी बाल कला में ही हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? तो आपके ऑप्शन है ए बिशनदास, बी जहांगीर, सी अकबर, या डी शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा सी अकबर। अकबर ने अपनी बाल कला में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? क्या ऑप्शन है ब्रिजलाल उदयपाल की, बी लल्लू प्रसाद शर्मा की, सी मोहम्मद हनीफ उस्ताद की, या डी बालू लाल सिसोदिया की। तो इसका उत्तर होगा सी मोहम्मद हनीफ उस्ताद की। इसकी संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए मांडना के लिए, बी पिछवाई के लिए, सी पटचित्र के लिए, या डी भित्ति चित्र के लिए। तो इसका उत्तर होगा सी पटचित्र के लिए। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? आपके ऑप्शन है ए म्यूरल, बी चित्र, सी वुडकट, या डी मूर्ति शिल्प। तो इसका उत्तर होगा सी वुडकट। द लाइफ ऑफ वर्जिन वुडकट है। नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कैलाशपुरी दिल्ली, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी बागलकोट कर्नाटक, या डी गुवाहाटी असम। तो इसका उत्तर होगा डी गुवाहाटी असम में नवग्रह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा हमिंगन बेल कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए जापान में, बी चीन में, सी रूस में, या डी म्यांमार में। तो इसका उत्तर होगा डी म्यांमार में दुनिया का सबसे बड़ा घंटा हमिंगन बेल है। अगला प्रश्न, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? आपके ऑप्शन है ए पिकासो, बी फ्रेंच मार्क, सी शागाल, या डी सेजा। तो इसका उत्तर होगा बी फ्रेंच मार्क। ब्लू राइडर ग्रुप को फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न, विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए प्रहलाद कक्कड़, बी डेविड ओगिलवी, सी प्रसून जोशी, या डी अलेक्जेंडर रामेल। तो इसका उत्तर होगा बी डेविड ओगिलवी को विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है? आपके ऑप्शन है ए डेविड, बी क्लाउड गेट, सी बुद्ध, या डी यक्ष यक्षी। तो इसका उत्तर होगा बी क्लाउड गेट, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली क्यों प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, बी पटचित्रों के लिए, सी सिरामिक्स के लिए, या डी मिट्टी के बर्तन के चिकनकारी के लिए। तो इसका उत्तर होगा ए दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न,
सेलिंग बोट्स इन वेनिस प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो आपके ऑप्शन है ए ओंदले रेंदो का, बी जॉन कॉन्स्टेबल का, सी विलियम टर्नर का, या डी टेंटोरेट्टो का। उसका उत्तर होगा ए ओंदले रेंदो का। सेलिंग बोट्स इन वेनिस प्रसिद्ध चित्र ओंदले रेंदो का है। अगला प्रश्न, युद्धपोत लड़ाकू जहाज प्रसिद्ध चित्र किसका है? आपके ऑप्शन है ए विलियम टर्नर, बी जॉन कॉन्स्टेबल, सी ओंदले रेंदो, या डी टेंटोरेट्टो। तो इसका उत्तर होगा ए विलियम टर्नर। युद्धपोत लड़ाकू जहाज प्रसिद्ध चित्र विलियम टर्नर का है। अगला प्रश्न, पक्षी से बातचीत किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? आपके ऑप्शन है ए वी प्रभा, बी कृष्ण खन्ना, सी लक्ष्मण पै, या डी एफ एन सुजा। तो इसका उत्तर होगा ए वी प्रभा। पक्षी से बातचीत वी प्रभा की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न, इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मण पै, बी वी प्रभा, सी परमानंद चोयल, या डी एफ एन सुजा। तो इसका उत्तर होगा ए लक्ष्मण पै। इमेज ऑफ गोवा लक्ष्मण पै की प्रसिद्ध कलाकृति है। गेम सीरीज किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? आपके ऑप्शन है ए कृष्ण खन्ना, बी पिकासो, सी लक्ष्मण पै, या डी सेजा। तो इसका उत्तर होगा ए कृष्ण खन्ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें।